देखिए दोस्तों, वाटर गीजर की डिस्केलिंग होते हुए इसमें नीचे बकेट में हमने डिस्केलिंग केमिकल लिया हुआ है, 10% का सॉल्यूशन बनाया हुआ है और इसके अंदर एक वाटर पंप डाला हुआ है जो कि हमारे घरों में जो कूलर होता है ना उसका सिंपल सा जो वाटर पंप होता है वो वाटर पंप यूज किया हुआ है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है गीजर के इनलेट वॉल से। आप थोड़ा देख सकते हैं गीजर के इनलेट वॉल से जोड़ दिया है। उसके बाद पंप को शुरू किया और इसका जो आउटलेट है जो कि हमारा आप देख सकते हैं इससे निकल रहा है वो भी इसी बकेट में आया हुआ है। तो आफ्टर ऑल ये जो केमिकल है इनलेट के जरिए पूरी कॉइल्स में जा रहा है जो कि गीजर में लगी हुई है। कॉइल्स के अंदर जो भी डिस्केलिंग हो रही है वो काटते हुए वापस आउटलेट के थ्रू इसी बकेट में आ रहा है। तो हमारा जो सर्किट है ना वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखो कितनी गंदगी इस बकेट में जमा हो गई है। तो आप देख सकते हैं जो कॉपर कॉइल्स में जिसमें वाटर सर्कुलेट होता है उसमें कितनी स्केलिंग आई हुई थी, आप इस केमिकल में देख सकते हैं जो ब्राउन ब्राउन आपको दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल ऐसी इम्प्योरिटी या स्केलिंग है जो कि पाइप को ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से हमारे घर में जो गैस गीजर है उसमें बार बार प्रॉब्लम आती है, पानी बंद हो जाता है आना, कई बार गीजर काम करते करते बंद कर जाता है। ठीक है, तो इसको मैं आप दिखाना चाह रहा हूँ, हम इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं।